विद्यार्थियों को मैंने कहा था कि जरा हौसला को बुलंद रखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख रहने से कुछ होता नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है ना। हमेशा कहेंगे हौसला बुलंद रखिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। और हमारे खेसारी लाल यादव, सुन लीजिए खेसारी लाल यादव और बड़े बड़े जो स्टार हैं उनको हम लोग आज उनका सब कहते हैं कि गंदा गाना और फन्ना गाना, आज एक दिन में लोग देखता है मिलियन से चला जाता है, और दुनिया के लोग बोलता है कि सबसे खराब गाना गाता है। अरे पेहुदा, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उसको आप खराब गाते हो, एक दिन में एक मिलियन दो मिलियन व्यू कैसे चला जाता है, आखिर गंदा गा। तो साथियों, आप सभी जानते होंगे कि भैया जी जो है पहचान का मोहताज नहीं है, और अभी जो है यहाँ पे कार्तिक पटेल जी के घर पे हम लोग मौजूद हैं, भैया जी का भी मौजूदगी यहाँ पे है, जानकारी लेते हैं। भैया जी कहाँ अभी आप क्या कर रहे हैं भैया? अभी तो हम पूर्णिया में हैं, और क्या कहते हैं बिफोर 7 ईयर्स जो है 7 साल पहले अभी मिडिल स्कूल डेवटा में शिक्षक पद पर पदस्थापित थे, बट पेमेंट कम रहने के कारण हम लोग कंपटीशन फेस किए, और हम लोग अभी समस्तीपुर डिवीजन पूर्व मध्य रेलवे में अभी पूर्णिया के नज़दीक बनमनखी जंक्शन पड़ता है उसी वहीं पर हम लोग पोस्टेड है। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? अभी मेरा 7 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, 7 वर्ष मेरा पूरा हो गया है, और हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और बनमनखी में मेरा सफलता कोचिंग सेंटर अभी चल रहा है जो कि इंग्लिश और मैथ हम पढ़ाते हैं। शायद हम मेरे चैनल पर लगभग 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरा हो गया है, और वहाँ पे लगता है विद्यार्थी लगभग एक बैच में 35 या 40 के लगभग एक बैच में 2 बैच चलता है, एक टीचर भी रखे हुए एक्स्ट्रा, और पार्ट टाइम में पढ़ाते भी हैं, और शिक्षा का भी काम करते हैं। हाँ, शिक्षा साथ साथ नौकरी करने के पार्ट टाइम के बाद अब हम लोग एजुकेशन जुड़े हुए हैं, और लगता है 45 या 35 के लगभग एक बैच चलता है, लगभग 2 बैच चलता है, तो टीचर भी रखे हुए हैं। तो सर, आप यहाँ पे जो आज मौजूदगी है, आपका किस पर्पज से आप आए थे? हाँ, इस पर्पज से आए, छुट्टी में आए थे, और खास करके मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वहाँ एडमिशन करवाएंगे, लेकिन पता चला है कि हमारे साथी जो शिक्षक है सुनील मास्टर साहब, उनकी भगनी का शादी है, बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी, मेरा गॉड अपॉर्चुनिटी, बड़ा शुभ अवसर मिला है हमको इसमें शामिल होने का। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मैसेज बहुत दूर दूर दराज तक जाएगा, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि, और इस परिसर में जितने भी लोग हैं और सारे भीड़ को आम पब्लिक को जितने भी दर्शक लोग देखते होंगे, मैं उनको सबको पहले नमस्कार करता हूँ, जो देख रहे हैं चैनल पर, जो देख रहे हैं आज कल देखेंगे कल देखेंगे, और मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी जो भी पढ़ते हैं शिक्षा के माहौल में, मैं यही तो बोलना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जो जो विद्यार्थी हमारे हैं और जो देख रहे हैं, जब अपना 2 पंक्तियाँ बोलेंगे आपके नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, और हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, और मेहनत करने वालों कदमों में जहाँ होता है, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी हैं, आज भी हम जो है देखिए छुट्टी से हम आए हैं, और सोनू सर के कोचिंग में, शायद यहाँ पे विद्यार्थी कुछ होंगे, सोनू सर के कोचिंग में गए थे, इंग्लिश पढ़ाए थे, हमको मन भी नहीं लगता है, और चैनल के माध्यम से जो हमारे प्रश्न आपसे बोला जाता है, ये प्रश्न आपका है सर कि अपना चानन क्षेत्र में मीडिया और गायक दोनों सर मेहनत कर रहे हैं सर, तो उनको किस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे? अच्छा, ये तो बात बहुत अच्छा बात बोले कि जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे बड़े भाई के जो चैनल जो चला रहे हैं अभी, इनको अधिक से अधिक आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल मोर एंड मोर सपोर्ट टू, जो क्या नाम है आपका, सुचित कुमार, सुचित भाई जी को आपको मोर एंड मोर सपोर्ट कीजिए भाई, क्या आप लोग सपोर्ट करने तैयार हैं? यस, बिल्कुल, जितने भी देख रहे हैं आपसे हाथ मेरा विनती है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिए इनका घर कहाँ हुआ और कहाँ से आए, और पता चला कि हम भी इस महफिल में आए हुए हैं, लेकिन पता चला कि नहीं सर आप अभी कुछ बोलिए, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, बहुत दूर दराज से आए हैं और एक नए चेहरे में हैं, और इस नए चेहरे के को आप हल्का सा अधिक सपोर्ट कीजिए, ताकि ये भी और अगले पैदान पर जाएंगे, सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहली बात है, तो तुम देखता क्यों है, इसका मतलब गंदा गाना है नहीं, वो गाना बिल्कुल सही है, इसलिए आप देखते हैं तो 2 मिलियन जाता है। गायक के लिए क्या कहेंगे सर, अभी जो हर जगह डीजे पे देख रहे हैं सर, तो आपका जो कार्तिक पटेल सर का गाना बज रहा है, सबसे पहली बात तो सर जी, आप दो वोट मेरे बारे में, अच्छा अभी के समय में देख रहे हैं कि गाना जो समाज में गाया जा रहा है वो तो अभी समाज में जो भी गीत गाया जा रहा है, और खास करके डीजे साउंड पर जो गाया जा रहा है, अगर पुराने गीत को गाया जाएगा तो मैं कहता हूं कि लोग जितने भी बराती लोग हैं या सराती लोग वहां से हट जाएंगे, क्योंकि आज का जो जैसा रीति रिवाज चल गया है, समाज के लोगों का भी नज़र इस पर नहीं है, जो आज कंट्रोल नहीं कर पाया,
और मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ सुधार लाया जाए कि ऐसे ऐसे गीत गाया जा रहा है अभी समाज में, लेकिन आप विशेष मैं क्या कहूँ, लेकिन उसी गीत की चाहत है, उसी गीत की चाहत है जो जब तक विस्फोटक जब तक सॉन्ग नहीं आएगा, जब डांस नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आइए कार्तिक पटेल जी, आइए, ठीक है। कार्तिक पटेल जी देखिए एक सिंगर हैं हमारे गांव के ही, ये कार्तिक पटेल है और आप तो मेरे बारे में जानते हैं, इस इलाका क्षेत्र के बारे में, तो मैं क्या कहूँ। इनको अलगा सा देखिए, हमारे गांव के हैं, सिंगर हैं, अच्छे गाते हैं, इनका गला भी अच्छा है, स्वर भी अच्छा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। खास करके आप लोगों का सपोर्ट अगर मिले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बाइलिस एंड बॉन्ड जो आने फ्यूचर में भागेंगे। अलगा सा जरा आप हाथ जोड़ के कर लीजिए कि हमको साथ सपोर्ट किया जाए, और पूर्णिया जंक्शन के तमाम हमको लगता है जितना रेलवे स्टाफ है, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे सारे लोग हमारे चेहरे से मुक्त, ऐसा नहीं कि हमारे चेहरा नहीं जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा कोचिंग सेंटर चलता है अधिकांशतः लगभग पूरे बनमनखी में 95% लोग हमें जानते हैं, और इस इलाके क्षेत्र में हमारे ये कार्तिक पटेल जी अच्छा गाते हैं। आप लोग से आसान है, उम्मीद है अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। इसी के साथ आप सबको नमस्कार, बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं इनके साथ में जब भी मौका मिलेगा। तो साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्तिक पटेल जी के घर पे कितना काफ़ी का भीड़ है, इनका जो इंटरव्यू लेने के लिए आज आए थे, इनका इंटरव्यू देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो जानकारी लेने का भी हम कोशिश की। आप देख सकते हैं मंडप का भी सजावट देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, और आगे जो भी होगा फिर हम इनका इंटरव्यू लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।